Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you lesson number 9, Charge for Love, class 8, Punjab School Education Board in the subject of English. So chaliye karte hain iska lesson 9th, Charge for Love. So Charge for Love hai kya? Chaliye karte hain isme kya hai? अ शॉप ओनर हैड सम पपीज ही वांटेड टू सेल. एक शॉप का जो एक दुकान का मालिक था जिसके पास कुछ एक पपीज थे, छोटे छोटे कुत्ते थे, उनके बच्चे थे जिनको कि वो सेल करना चाहता था, बेचना चाहता था. ही पेंटेड अ साइन बोर्ड टू एडवर्टाइज हिज इंटेंशन ऑफ सेलिंग द पप्स दैट सेट पपीज फॉर सेल. और फिर इसी इरादे से उसने एक जो था साइन बोर्ड लगाया जिस पर क्या एडवर्टाइज किया हुआ था कि पपीज फॉर सेल, कि जो छोटे छोटे बेबीज हैं कुत्ते के वो बेचने वाले हैं. ही सेट अबाउट नेलिंग इट ऑन द वॉल. और इसने इसको जो था दीवार पे टांगने के लिए नेल्स जो थे वो लगा रहा था. बोर्ड लाइक दिस ऑलवेज हैव अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग यंग चिल्ड्रन. और इस तरह के जो बोर्ड्स होते हैं ना वो छोटे बच्चों को बहुत ही आकर्षित करते हैं. एज ही वॉज ड्राइविंग द लास्ट नेल इन टू द पोस्ट. और जैसे ही वो उस पोस्ट में लास्ट कील जो थी वो काट रहा था, अ बॉय सा द बोर्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द शॉप. एक बच्चे ने उस बोर्ड को देखा और उसने दुकान की तरफ जाना शुरू किया. ही अप्रोच द ओनर एंड आस्क. उसने उस दुकान के मालिक के पास गया और उससे पूछा, हाउ मच आर यू गोइंग टू सेल द पपीज फॉर, कि तुम कुत्तों को, कुत्ते के बच्चों को कितने पैसों में बेचना चाहते हो. द शॉप ओनर लुक डाउन इन टू द आईज ऑफ द लिटिल बॉय. जो दुकान का मालिक था उसने लड़के की आंखों में देखा. वेल सेड द शॉप ओनर एज ही वाइप द स्वैट ऑफ द बैक ऑफ हिज नेक. उसने अपने गर्दन के पीछे से जो पसीना आया हुआ था उसको पोंछते हुए कहा, दीज पपीज कम फ्रॉम फाइन पेरेंट्स एंड कॉस्ट अ गुड डील ऑफ मनी. कहते कि ये अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं और मैं इनके अच्छे पैसे लूँगा. सो आई विल चार्ज एनी वेयर फ्रॉम $30 टू $50 फॉर ईच पपी. तो हर एक छोटे बच्चे के लिए जो होगा, जो मूल्य होगा, विक्रय मोल जो होगा वो $30 से लेके $50 होगा. द बॉय ड्रॉप्ड हिज हैड फॉर अ मोमेंट. और बच्चे ने थोड़ी देर के लिए अपना सिर झुकाया. देन रीचिंग डीप इन टू हिज पॉकेट. फिर उसने अपनी जो जेब थी उसमें हाथ जो था वो डाला. ही पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ अ चेंज एंड हेल्ड इट अप टू द शॉप ओनर. उसने उसमें से कुछ खुले पैसे निकाले और इसे दुकान के मालिक को दिया. आई हैव $2.37. इज दैट इनफ टू टेक अ लुक. क्या इन पैसों से मैं उन कुत्तों को देख सकता हूँ. ही सेड. उसने कहा, श्योर. बिल्कुल. सेड द शॉप ओनर. दुकान के मालिक ने कहा. एंड विद दैट ही लेट आउट अ विसल. और उसी के साथ उसने एक जो सीटी बजाई. हेयर डोली ही कॉल. उसने कहा, उसने डोली बोलकर आवाज़ लगाई. आउट फ्रॉम द डॉग हाउस एंड डाउन द रैंप रैन डोली फॉलोड बाई फोर लिटिल बॉल्स ऑफ फर. अब जो जिस वो कुतिया के बच्चे थे वो अपने बच्चों के साथ जो थी, जो कि चार बॉल्स की तरह थे, फर वाले छोटे छोटे बच्चे थे, वो लुढ़कते हुए जो थे वो उसके पीछे पीछे आए. द लिटिल बॉय प्रेस्ड हिज फेस अगेंस्ट द चेन लाइक लिंक फेंस. और जो बच्चा था उसने अपना जो फेस था वो उस दीवार के ऊपर मतलब अपना फेस रखा जिसको कि चेन्स लगी हुई थी. हिज आईज डांस्ड विद लाइट. और उन बच्चों को देखकर वो बहुत ही खुश हो गया. एज द डॉग्स मेड देयर वे टू द फेंस. और जैसे ही लड़के जो थे उस दीवार की तरफ आ रहे थे, द लिटिल बॉय नोटिस्ड समथिंग आउटस्टैंडिंग इनसाइड द डॉग हाउस. उसने देखा कि डॉग हाउस के अंदर भी कुछ हिलजुल हो रही है. स्लोली अनदर लिटिल बॉल अपीयर्ड. और फिर धीरे से एक छोटी सी बॉल जो थी वो अपीयर हुई. दिस वन नोटिसबली स्मॉलर. और ये उन जो पहले वाली बॉल्स थी, यानी बॉल लाइक जो छोटे छोटे पप्पी थे उसकी तरह ये एक पप्पी अंदर भी था, लेकिन ये जो था उनसे थोड़ा छोटा लग रहा था. डाउन द रैम्प इट स्लिड. और ये रैम्प के नीचे की तरफ जो था वो फिसलता
आ रहा था. देन इन एन ऑकवर्ड मैनर द लिटिल पप बिगेन हॉपिंग टुवर्ड्स अदर्स. तो फिर उसी तरह से बड़े ही एक अजीब तरीके से ये छोटा जो पप था वो दूसरी छोटे छोटे पपीज की तरफ जो था वो फुदक फुदक के आगे की ओर बढ़ रहा था, डूइंग इट बेस्ट टू कैच अप और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था. इमीडिएटली द लिटिल बॉय सिंगल्ड आउट द हॉपलिंग एंड लिम्पिंग पपी एंड सेट. और झटपट से जो छोटा लड़का था उसने उस बच्चे की तरफ जो छोटा पपी था उसकी तरफ जो कि लंगड़ा कर चल रहा था उसकी तरफ देखा और कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ दैट लिटल लेग, कहते उसकी छोटी सी टांग को क्या हुआ. द शॉप ओनर एक्सप्लेन दैट अ वेटरेरियन हैड एग्जामिन्ड द लिटल पपी एंड डिस्कवर दैट इट डिडंट हैव अ हिप सॉकेट. फिर वो दुकान का मालिक बताता है कि एक वेटरनरी डॉक्टर जो था उसने इसको एग्जामिन किया है, इसको देखा है और उसने कहा कि इसका एक हिप सॉकेट जो है वो नहीं है. इट वुड ऑलवेज लेम, और ये हमेशा ही लंगड़ा के चलेगा. इट वुड ऑलवेज बी लेम, और ये हमेशा लंगड़ा रहेगा, मतलब उसका इलाज नहीं हो सकता है. आई वॉन्ट दैट वन, द लिटिल बॉय सेड, छोटे बच्चे ने कहा कि मुझे यही वाला छोटा कुत्ते का बच्चा चाहिए. पॉइंटिंग टू द लेम पपी, उसने छोटे लंगड़े जो पप्पी था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा. द शॉप ओनर नाल टाउन एट द बॉयज साइड एंड सेड, जो दुकान का मालिक था वो लड़के की तरफ झुका और उसने कहा, सन यू वॉन्ट दैट पप्पी, बेटा तुम्हें वो पप्पी चाहिए. इट विल नेवर बी एबल टू रन एंड प्ले विद यू लाइक दीज अदर डॉग्स वुड, कहता कि ये दूसरे कुत्तों की तरह तेरे साथ नहीं खेल पाएगा. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट हिम, अगर तुम सचमुच इसे चाहते हो, आई शेल जस्ट गिव इट टू यू, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा. विद दैट द लिटिल बॉयज स्टेप्ड बैक फ्रॉम द फेंस, वो बच्चा जो था वो उस फेंस से उस दीवार से पीछे की तरफ हटा, रीच्ड डाउन नीचे की तरफ हुआ एंड बिगेन रोलिंग अप वन लेग ऑफ हिज ट्राउजर, और फिर वो एक टांग पे चलता हुआ आगे बढ़ा. इन डूइंग सो ही रिवील्ड अ स्टील ब्रेस रनिंग डाउन बोथ साइड्स ऑफ हिज लेग्स, और उसने चलते हुए एक जो स्टील ब्रेस था उसको अपने लेग्स के नीचे भागता हुआ देखा. अटैचिंग इटसेल्फ टू अ स्पेशली मेड शू, जो कि उसके शूज जो थे, मतलब उसको एक नकली जो था वो एक आर्टिफिशियल जो था लिंप लगा हुआ था जिसकी मदद से कि वो चल रहा था. टू ही सरप्राइज, और आश्चर्य करने वाली बात ये थी, द लिटिल बॉय रीच डाउन एंड रोल्ड अप द अदर लेग ऑफ द ट्राउजर ऑल्सो टू रिवेल अ बैडली ट्विस्टेड क्रिपल्ड लेफ्ट लेग सपोर्टेड बाई अ बिग मेटल ब्रेस, और फिर उसने दूसरी जो उसकी लेग थी उसको मेटल ब्रेस से जो सपोर्ट की हुई थी उस में भी एक बैड जो ट्विस्ट जो था वो देखा उसने. लुकिंग अप एट द शॉप ओनर की तरफ देखते हुए ही सेड, उसने कहा, यू सी सर आप देखते हो, उसने उसको अपनी वो क्रिपल्ड लेग्स जो थी वो दिखाई थी और कहा कि आपने देखा कि मेरी लेग्स कैसी हैं. आई माई सेल्फ डोंट रन टू वेल, मैं भी बहुत अच्छे से नहीं भाग पाता हूँ. एंड ही पुअर लिटिल पप्पी विल नीड सम वन हु अंडरस्टैंड इट, और उस छोटे से पप्पी को कुछ ऐसा ही पर्सन चाहिए जो उसे समझ सके, यानी कि वो भी तो लंगड़ा रहा था और ये बच्चा भी जो था ये भी हैंडीकैप था, क्रिपल था. तो इसने शॉपकीपर को कहा कि मैं भी तो क्रिपल्ड हूँ और मैं जो है वो नहीं भाग सकता, मैं उतना ही भाग सकता हूँ जितना कि ये भाग सकता है, तो हम एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं. With tears in his eyes, उसकी आँखों में पानी था. The shop owner reached down and picked up the little pup. Shop owner की आँखों में पानी था और वो नीचे की तरफ गया और उसने उस छोटे से पप्पी को उठाया जो कि ठीक से चल नहीं पा रहा था. होल्डिंग इट केयरफुली ही हैंडेड इट टू द लिटल बॉय, उसने इसे ध्यान से पकड़ा और उस छोटे से बच्चे को दे दिया. हाउ मच, सेड द लिटिल बॉय, छोटे बच्चे ने कहा कि आप इसके लिए कितनी कीमत जो है वो लोगे. नो चार्ज एज आई सेड अर्लियर, आंसर द शॉप
ओनर, और जो दुकान का मालिक था उसने कहा जैसे मैंने तुझे पहले बताया कि इसके लिए मैं तुझसे कोई पैसा नहीं लूंगा, देयर कैन बी नो चार्ज फॉर लव। कहते कि प्यार का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम पैसे के बदले में नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि तू इसको इतना प्यार करता है, इतने प्यार से लेके जा रहा है, और उसकी आंखों में पानी आ गया था उसके बच्चे के पप्पी के प्रति प्यार को देखकर और उसकी कंडीशन को देखकर। तो उसने कहा कि तेरे लिए इसका प्यार जो है ना वही है सब कुछ, और मैं तुझसे कुछ नहीं लूँगा। द लिटिल बॉय गॉट क्वाइट अपसेट, और छोटा बच्चा बहुत ही जो था उसका मूड खराब हुआ। ही लुक्ड स्ट्रेट इन टू द स्टोर ओनर्स आइज, और उसने जो उस स्टोर का जो मालिक था उसकी आंखों में देखा। एंड पॉइंटिंग हिज फिंगर एट हिम एंड सेड, और उसकी तरफ उसने उंगली की और कहा यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो, देयर इज नो चार्ज फॉर लव, कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती, बट आई कैन नॉट लोअर इट्स वर्थ बाई टेकिंग इट विदाउट चार्ज। इफ इट वॉज लेस देन अदर पपीज बिकॉज इट मी नॉट रन एज फर्स्ट एज देम। वो कहता कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन आपने पपीज की कीमत रखी, और इसकी कीमत सिर्फ इसलिए नहीं रख रहे हो क्योंकि ये ठीक से चल नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए आप इसकी कीमत नहीं ले रहे हो। मतलब उसके कहने का मतलब था कि अगर ये ठीक होता तो आप इसकी कीमत लेते। दैट मीन्स अगर ये हैंडीकैप्ड है तो क्या इसकी कोई इसका कोई मोल ही नहीं है, ये वैल्यूएबल ही नहीं है। दिस लिटल डॉग इज वर्थ एवरी बिट एज मच एज ऑल द अदर डॉग। कहते इसका भी उतना ही अस्तित्व है जितना कि दूसरों का। आई डोंट वॉन्ट यू टू गिव हिम टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहते इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इसे मुझे फ्री में दो, मुझे मुफ्त में दो। आई विल पे द फुल प्राइस। कहते मैं इसकी उतनी ही कीमत आपको दूंगा जितनी कि आपने बाकी कुत्तों की कीमत रखी है। आई विल गिव यू $2.37 नाउ। कहते अभी तो मेरे पास $2.37 ही हैं, मैं आपको इतने ही दूंगा। एंड 50 सेंट्स अ मंथ अंटिल आई हैव पेड इन फुल। और कहते कि मैं 50 सेंट्स आपको पर मंथ हर महीने देता रहूंगा जब तक कि इसका मोल पूरा नहीं हो जाता। उसने कितना रखा था उन कुत्तों का प्राइसेस, बच्चे उन्होंने रखा था $30 to $50। अब इस बच्चे ने $2.37 दे दिया और 50 सेंट्स पर मंथ देने का वादा किया, तब तक जब तक कि उसकी पूरी कीमत जो है वो चुका नहीं देगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर चार्ज फॉर लव, कि जो प्यार की कीमत उसने दी थी, उसने ये एक्सेप्ट किया था कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती। आपकी मम्मा आपको प्यार करती हैं, आपके पापा आपको प्यार करते हैं, आपके भाई बहन रिश्तेदार आपको प्यार करते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन यस, क्योंकि वो पपी लंगड़ा था और इसलिए जो शॉप ओनर था उसको मतलब उसका कोई मोल नहीं दे रहा था, तो उसमें जान तो थी ना, उसमें फीलिंग्स तो थी ना, तो वही फीलिंग्स जो थी वो बच्चे में भी थी। वो कह रहा था कि प्यार है उसकी कोई कीमत नहीं होती, दिस इज ट्रू, लेकिन सिर्फ लंगड़ा होने की वजह से उसकी कोई मतलब मोल नहीं रह गया, ये बात गलत थी। इसलिए वो कह रहा था कि मैं इसको उतना ही मूल्य दूंगा, इसको उतने ही प्राइस में मैं लूंगा जितना कि एक नॉर्मल पपी, जो एक नॉर्मल पपी भाग सकता था, जो हैंडीकैप नहीं था, उसके बराबर ही इसकी कीमत डालनी होगी, तभी तो ये उनके बराबर होगा। तो वो उसको उन कुत्तों के बराबर देखना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए पे करना चाहता था। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी, चार्ज फॉर लव। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन की बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।